हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं सोच रही थी प्रोफेशनल स्ट्रगल्स के बारे में मैं आज का ये ब्लॉग बनाऊंगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो शायद आप लोग भी अपने लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल्स फ़ेस किए हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी ब्लॉग्स बनाई हूँ, तो अगर आपने वो ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो पहले वो प्लीज़ देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना मैंने क्यों किया है। बिकॉज मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो कुछ चीज़ें शायद आप नहीं समझ पाओ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। मैं 1980s में बॉर्न हुई हूँ, तो आपको मेरी उम्र का अंदाज़ा हो रहा होगा। उस ज़माने में जब हम लोग बड़े हो रहे थे, इंटरनेट का दौर नहीं था, इंटरनेट नहीं था। आजकल लाइफ बहुत इजी हो चुका है, ऑप्शंस के बारे में पता करने के लिए हमारे पास इंटरनेट होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आसानी से जान पाते हैं। पर जिस दौरान मैं बड़ी हो रही थी 90s में, उस समय इंटरनेट का मौजूदगी हमारी ज़िंदगी में उतनी आसानी से नहीं था, इसलिए हम कैसे पता करते हैं ऑप्शंस के बारे में कि ज़िंदगी में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, इंसान क्या कुछ कर सकता है। इन सब के बारे में आइडिया हम लोगों को अपने इर्द गिर्द से ही पता होता था, या तो घर वाले या दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, यही सब से हम बात करके हमको आइडिया होता था कि आगे ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं हम। तो मेरे पास लाइफ में उतने सारे ऑप्शंस नहीं। मैं बचपन में बहुत गुमसुम सी, चुपचाप सी लड़की थी। मैं लोगों से मिक्स नहीं करती थी, तो मेरे कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं थे। रिश्तेदार भी जब आते थे तो उतना ज़्यादा फ्री एंड फ्रैंक उतना होता नहीं था, मिलना जुलना फॉर्मल जितना हाई हेलो टाइप रिश्तेदार। तो भाई और मेरे अपने तो भाई बहन भी नहीं हैं, सिबलिंग्स जो है कज़न्स है सब मुझसे छोटे। तो ये एक दिक्कत था कि मैं घर में सबसे बड़ी, इसलिए जो भी डिसीशंस लेना है मुझे ही पहले डिसीशन लेना है, मुझे फॉलो करेंगे मेरे बाकी के छोटे भाई बहन। तो मेरे रेफरेंस के लिए मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं जिनसे मैं फ्रीली बात कर सकूं, क्योंकि जो कज़न्स मुझसे बड़े थे वो बहुत दूर के रिश्तेदार थे, उनसे उतना ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी, या फिर उनके इंटरेस्ट के साथ मेरे कोई इंटरेस्ट मैच नहीं करती थी। तो मेरे पास रेफरेंस के लिए ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे, तो आई हैड टू डिपेंड ऑन मेरे पेरेंट्स के जो भी राय होते थे। और मेरे पेरेंट्स ऐसे ख्यालात के थे उस ज़माने में एटलीस्ट कि माँ बाप बच्चों के लिए जो भी तय करेंगे बच्चों को वही करना है। हमको उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता था कि हम अपने लाइफ में डिसीशंस खुद ले सकें या फिर एक्सप्लोर करें कि हमें करना क्या है। तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने का ऑप्शंस भी नहीं था, प्लस माँ बाप ने एक फिक्स्ड माहौल बनाया था कि उन लोगों ने जो डिसाइड करना है हमें वही करना होगा। तो उस ज़माने में ना प्रोफेशनल फील्ड ही बस एक लाइन होता था, जैसे आजकल के ज़माने में लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें करते हैं जो ऑफ बीट होता है, हटके होता है। उस ज़माने में उतना चौल नहीं था इस चीज़ का कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करें, तो घर घर में बस डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, यही सब प्रोफेशंस का चौल था। अगर ये नहीं करोगे तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। इट वॉज उस ज़माने की बात जो मैं कह रही हूँ। तो अब ऐसा था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतने सारे फ्लॉज हैं कि कोई साइंस अगर लेना चाहता है तो उसके साइंस के हर एक सब्जेक्ट में उसको एक्सेल करना है। हर एक सब्जेक्ट जो साइंस का ग्रुप में आता है उसमें उसको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तभी जाके वो साइंस ले सकता है। अगर वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं है तो उसको साइंस नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है मैं मानती हूँ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है तो इंसान चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाता है आगे। जैसे कि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, मैं स्पेशली गायनेकोलॉजी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अभी भी है। तो गायनेक सब्जेक्ट या गायनेकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने का शौक मैं पहले भी रखती थी, इसलिए मैं बायोलॉजी में बहुत फोकस करती थी, क्योंकि डॉक्टर में तो मतलब आखिर में बायोलॉजी ही काम आता है ना। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छी थी, पर
फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। मैथ्स और फिज़िक्स में तो मैं बहुत ज़्यादा ख़राब नंबर आते थे मेरी, केमिस्ट्री फिर भी ठीक ठाक थी। तो अनफॉर्चुनेटली ग्रुप में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब एक साथ आता है, तो ऐसा नहीं है कि हम बायोलॉजी अलग से चूज़ करें या केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके मैं आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा ऑप्शन नहीं था। बिकॉज मेरा फिज़िक्स और कंप्यूटर मैथ्स ये सब बहुत वीक था, तो मुझे साइंस नहीं मिला, मैं नहीं ले पाई साइंस। अब साइंस नहीं ले सके तो इंजीनियरिंग डॉक्टर ये सब ऑप्शंस तो गए हाथ से। अब प्रोफेशनल फील्ड में ही कुछ करना है, प्रोफेशनल फील्ड में ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स सब्जेक्ट में लॉ के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। अब उस टाइम पे कॉलेज सिलेक्ट जब करते हैं इंसान, मतलब 14, 15, 16 के उम्र में, उस टाइम पे मेरे उतने दोस्त भी नहीं थे जिनके साथ मैं ज़्यादा इंटरेक्ट करूं और ज़्यादा पता चले मुझे कि क्या क्या फील्ड्स हैं। पर मुझे पता था कि मुझे फैशन पसंद है, मुझे मॉडलिंग एक्टिंग ये सब पसंद है, तो ये मीडिया लाइन में मुझे कुछ करना है ऐसा मैं हमेशा से चाहती थी। मुझे ऑफर्स भी आते थे कहीं किसी उस समय ऑर्कुट फेसबुक ये सब थोड़ा थोड़ा करके फेमस हो रहे थे, तो ये सब मैं प्रोफाइल बनाई थी और वहाँ ऑनलाइन में कभी कुछ लोग मेरे से दोस्ती करके मुझे ऑफर्स भी देते थे कि मैं किसी मॉडलिंग या मूवीज़ एक्टिंग के लिए वो लोग अप्रोच करते थे मुझे, तो कुछ एक दो ऑफर्स मिले भी थे मुझे। पर उस टाइम पे मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि अपने डिसीशंस खुद ले पाऊँ, इसलिए जब मैं अपने घर वालों से ये सब के बारे में डिस्कस करती थी तो स्ट्रेट अवे आंसर ये होता था कि मैं नहीं कर सकती। मुझे एयर होस्टेस बनने का भी बहुत शौक था। अब एयर होस्टेस के लिए मैं ट्राई भी की थी, तो एक ऐसा करियर काउंसलिंग का शो हो रहा था, फेयर हो रहा था, जहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स के करियर्स के स्टॉल्स लगे हुए थे, वहाँ जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो कॉलेजेस के लिए या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो उन सब का जानकारी वहाँ पे मिलता। तो वो वैसे वाला एक फेयर हम अटेंड किए थे, मैं अपने मम्मी के साथ गई थी। तो मैं एयर होस्टेस ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ का फॉर्म मैं उठाई थी। मैंने अपने मम्मी को दिखाया कि ये वाला फॉर्म देखिए मुझे इंटरेस्ट है। मम्मी वहीं पे स्टॉल पे खड़े होते ही वहीं पे वो फॉर्म उन्होंने फाड़ दिया, उन्होंने कहा ये सब अपने दिमाग में लाओ भी मत। मेरे घर में ऐसा माना जाता था कि एयर होस्टेस का नौकरी मतलब ग्लोरीफाइड नौकर, ऐसा ही बोला जाता था, ग्लोरीफाइड नौकर, कि लोगों को तुम चाय कॉफ़ी सर्व करोगे, लोगों का जी हजूरी करोगे, ये होता है एयर होस्टेस का जॉब, ये करना है तुमको। घर में रिश्तेदार लोग आएंगे तो चाय कॉफ़ी सर्व कर देना उन्हें, शौक पूरा वहीं पे हो जाएगा, ये करने के लिए तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट विच वॉज देयर इन माई होम, वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स, वेरी बैकवर्ड। तो मुझे एयर होस्टेस बनने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। अब मैं और भी ज़्यादा इसको पुश नहीं कर पाई बिकॉज मेरी हाइट उतना ज़्यादा नहीं है, तो एयर होस्टेस के नौकरी में भी मुझे कुछ दिक्कतें हो सकती थी। मुझे बेसिक ग्राउंड लेवल नौकरी मिल सकती थी, जो ग्राउंड ऑफिसर्स के जॉब्स होते हैं उनके लिए मेरी हाइट सही है, तो वो मैं कर सकती थी, मैं पूरी तरह से डिस्क्वालिफाइड भी नहीं होती। लेकिन हाँ, फ्लाइंग के लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए हाइट्स होते हैं जो मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं डोमेस्टिक फ़्लाई कर सकती थी। डोमेस्टिक फ़्लाई करने का हाइट या फिर ग्राउंड लेवल वर्क का हाइट मेरे पास है, तो कुछ कोशिश करने के बाद शायद मुझे मिल भी जाता, पर वो ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया। अब वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी। दूसरा मेरे को करना था कि मैं मॉडलिंग एक्टिंग का कोशिश करूँ। घर वाले तो उस चीज़ को इतने छोटे नज़र से देखते थे कि मतलब रिश्तेदारों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे हम अगर तुम मॉडलिंग एक्टिंग इस सब के करियर चूज़ करोगी। तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी,
घर में बाकी रिश्तेदारों के बच्चों में से मैं सबसे बड़ी बच्ची हूँ, तो मेरे बाद जो भाई बहन है हर समय मुझे उनका सुना के बोला जाता था कि तुम उनके लिए रोल मॉडल बनो, तुम कुछ ऐसा मत करो कि देख के वो लोग बहक जाए या गलत दिशा में चले जाए। तो ये एक प्रेशर होता था बड़ी बेटी घर के बड़ी बच्चों पे कि आप लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि आप रोल मॉडल बने अपने छोटों के लिए, ताकि छोटे आपको देख के कोई गलत दिशा ना चले जाए। तो ये एक एडिशनल प्रेशर होता था। अब ऐसा था कि मॉडलिंग एक्टिंग का जो ऑफर्स भी आते थे मुझे रिजेक्ट करना होता था, मैं नहीं कर सकती थी। कभी एक बार मैंने ट्राई किया भी था छुप छुप के करने का, पर वो भी कुछ ज़्यादा सफल हो नहीं पाया। अब ऐसा था कि फिर मुझे इंटरेस्ट था फैशन डिज़ाइनिंग में कि चलो ठीक है फैशन में कुछ अगर कर सकती हूँ मैं। मेरे घर में ऑलरेडी मेरी मम्मी मेरे चाची मेरे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बुटीक चलाते हैं, जिनका अपना एपरल्स का डिज़ाइनिंग का है क्लाइंट आई। अगर चाहते तो वो मुझे बचपन से ही इन सब में अपने साथ रख सकते थे, पर अलाउड नहीं था, नहीं करने दिया। मेरे मम्मी के जान पहचान में बड़े बड़े हस्तियाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो मीडिया लाइन में हैं, जो एंटरटेनमेंट लाइन में हैं, या फिर जो फैशन डिज़ाइनिंग लाइन में हैं, उनके साथ मेरी मम्मी की जान पहचान बहुत करीबी है, बहुत से ऐसे लोगों को वो जानती है। तो चाहती तो बहुत ईजीली मेरे लिए रेफरेंस कर सकती थी। मैं उनके साथ गई भी हूँ बहुत सारे ऐसे स्टोर्स में जो बड़े बड़े नेम्स के डिज़ाइनर्स हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकती, पर ऐसे कई डिज़ाइनर्स के साथ मैं पर्सनली मीट की हूँ बिकॉज़ वो मेरे मम्मी के जान पहचान के हैं। मैंने अपना इंटरेस्ट उस वक्त शो किया भी था उनके साथ, कभी एक दो दफ़ा कोशिश भी की थी बात करने की, लेकिन मैं बात छेड़ने से पहले ही मेरी मम्मी बोल देती थी कि इसके लिए तो हमने कुछ और ही सोच के रखा है। तो मौका ही नहीं मिलता था कि जाके उनसे बात करूँ, अप्रोच करूँ, क्योंकि जैसे ही मैं बोलने शुरू करती थी कि मैं अपना भी एक बुक बनाई हूँ, मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं ड्राइंग्स करती हूँ अपने फैशन डिज़ाइनिंग के, ड्रेस डिज़ाइंस भी करती हूँ और नॉर्मल पेंटिंग्स भी करती हूँ, ड्राइंग्स भी करती हूँ, ये मेरी हॉबीज़ थी बचपन से। इतना मोटा सा एक बुक था जिसमें मैं डिज़ाइंस बनाती थी, मैं शौक से लेकर जाती थी अपने साथ कहीं किसी को दिखाने के लिए, ऐसे किसी डिज़ाइनर के पास अगर मिलने जाती थी तो, पर मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि बिफ़ोर आई कुड शो, पहले ही कहा मेरे मम्मी ने या घर वाले जो भी था मेरे साथ कह देते थे कि इसके लिए तो हम लॉ सोच के रखे, इसको तो लॉ पढ़ना है। हालांकि मुझे लॉ में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, मेरी इंटरेस्ट बहुत ही नॉन एकेडमिक्स रही है, बट माई फेट वॉज सील्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब ऐसा हुआ कि बाकी किसी भी लाइन में मेरे को कुछ करने का तो मौका ही नहीं मिला। फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद, उस टाइम पे पता भी नहीं था, कुछ वक्त लगा इसके बारे में पता होने में, लेकिन फिर कुछ साल बीतने के बाद मुझे ये भी पता हुआ कि होटल मैनेजमेंट भी ये बहुत अच्छा लाइन है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मैं कर सकती हूँ, बिकॉज होम साइंस या घर के कामकाज ये सब मुझे बहुत अच्छे से आते थे। तो एक टैलेंट मेरे पास ऑलरेडी था जो मैं यूज़ कर सकती थी अगर मैं होटल मैनेजमेंट का काम लेती तो, पर होटल मैनेजमेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करना, मतलब वही फिर सेम चीज़ आ जाता था सामने जो ग्लोरीफाइड नौकर वाला बात बोले थे, वही सेम एग्जाम्पल देते थे कि लोगों का झूठा बर्तन धोगी, लोगों का झूठा बर्तन उठाओगी, खाना पकाओगी, वो तो शादी के बाद अपने ससुराल में ही कर लेना, तुम क्या ज़रूरत है तुम्हें इसके लिए कोई प्रोफेशन चुनने का, ये भी कोई प्रोफेशन होता है, इनिशियल डेज में तो तुमको टॉयलेट भी साफ़ कराएंगे, लोगों का टॉयलेट साफ़ करोगी तुम। सो दिस वॉज द काइंड ऑफ एटमोसफियर जिसमें मैं बड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे ये एक मेरे दिमाग में थमा दिया गया कि तुम्हें लॉ ही करना है और कहीं भी मत देखो। जो ऐसा होता है ना, हॉर्सेस के आँखों में ब्लाइंड्स लगा दिया जाता है कि इधर उधर हॉर्सेस देख ना पाए, मेरे साथ वैसा ही था, इधर उधर कहीं भी मत देखो, फिक्स्ड है तुम्हारे लिए कि तुम्हें यही करना है। तो ठीक है, अब
जब मैं क्लास 11 12 में थी तो हमारे यहाँ पे एक उस समय सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स नहीं होते थे। लॉ कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन का एक पहले इंस्टीट्यूशन में जाना होता था जहाँ पे एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वो लोग। फिर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था जो ऑल ओवर इंडिया हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स, तो कोई ओवरऑल एग्ज़ाम नहीं था जिस एग्ज़ाम से आप सिलेक्ट कर पाओ कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, वैसा नहीं। आप अलग अलग कॉलेजेस का फॉर्म उठा सकते हो, अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। अभी का नियम बदल गया है, अभी सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, वो उस समय नहीं था। अभी अलग अलग कॉलेजेस का ऑप्शन उतना नहीं होता है, आपको एक आई बिलीव अभी का नियम ऐसा है कि जनरल एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, वहाँ रैंकिंग के मुताबिक आपको कॉलेज अलॉट किया जाता होगा, शायद इस तरह है आप, पर मेरे टाइम पर वैसा नहीं था। अब ऐसा है कि फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के ट्यूटोरियल में मैं गई भर्ती होने, वहाँ जाके भी मैंने देखा कि उस इंस्टीट्यूशन में और भी बहुत सारे कोर्सेज करा जाता है। वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कराया जाता है, वहाँ पे बीबीए का कोर्स कराया जाता है, वहाँ पे लॉ तो है ही और भी बहुत सारे कुछ कोर्सेज है। फिर से मैंने कोशिश की एक बार और कन्विंस करने की कि क्या मैं लॉ के पेपर्स उठा सकती हूँ, यहाँ से फॉर्म्स फिलअप कर सकती हूँ। फिर से शुरू हो गई वही बातें, तो ऑब्वियस था कि मैं नहीं कर सकती। उनका कहना था कि बहुत इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं, बहुत कुछ करना होता है, उतना पैसा हमारे पास है नहीं, हम नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह। अब जिसको कराना होता है वो तो किसी भी तरह करा देते हैं, ये सब बस बहाने होते थे नहीं करवाने का, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही था कि बच्चे क्या जानते हैं, उन्हें अपने भले बुरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो हम सोचेंगे उनके लिए वही ठीक है। तो अब उस इंस्टीट्यूशन में भर्ती करा दिया गया मुझे, मैं भर्ती हो गई। फिर वहाँ पढ़ाई करके मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठी, एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स दिए और मेरी 13th रैंक आई, अपने स्टेट में मैं 13th हुई, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर था। नेशनल कॉलेजेस में नहीं मिला, लेकिन अपने जो अपने स्टेट का यूनिवर्सिटी है, उस स्टेट के यूनिवर्सिटी का जो बेस्ट कॉलेज था वहाँ पे मुझे मिल गया, तो ठीक है, उसमें मैं भर्ती हुई। और क्लासेस जैसे मैं कर रही थी, मुझे समझ में आया कि यहाँ तो क्लासेस होते ही नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ पार्टी लॉबिंग होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लॉबिंग्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ग्रुपिज्म है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे पॉलिटिकल ही सब कुछ होता है, यहाँ पे लोग जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उनका कोई जगह ही नहीं है, या फिर गुंडागर्दी बहुत होता था, बहुत सारे ऐसे काम होते थे उस कॉलेज में जो देख के मैं बहुत डर जाती थी, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। और प्रोफेसर्स आते ही नहीं थे, क्लास एम्प्टी होता था, खाली क्लास होता था, तो हार्डली स्टूडेंट्स आते थे, और जो आते थे वो या तो गुंडे होते थे या फिर पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते थे, तो बहुत ही अनसेफ फील होता था, बहुत ही अजीब लगता था। और उन लोगों का अपना ही कोशिश होता था कन्विंस करने का कि आ जाओ हमारे पार्टी ज्वाइन कर जाओ वगैरह, और मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, मुझे कोई पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना था। तो फिर मैंने कन्विंस की कि ये वाला कॉलेज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं फिर कोशिश की कि चलो कोई और कॉलेज में जाते हैं, लॉ का ही दूसरा कॉलेज, एक कॉलेज मेरे घर के पास था लॉ का ही कॉलेज, तो मुझे उसमें ऑटोमेटिक अलॉटमेंट नहीं मिली थी, तो मैं वहाँ पे गई थी पूछने कि उनके वहाँ पे सीट है कि नहीं। जब मैं वहाँ गई थी पूछने, वहाँ का प्रिंसिपल मुझे बोले थे कि हाँ हाँ यहाँ पे सीट्स है, तुम आ जाओ, बस वहाँ से अपने कॉलेज से रिलीफ सर्टिफिकेट ले लो, क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लो और यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हें संग संग भर्ती करवा लेंगे। मिडिल ऑफ द सेशन मैं अपने कॉलेज से रिलीविंग सर्टिफिकेट ले लिया और फिर मैं आई इस कॉलेज में भर्ती होने। जैसे मैंने अपने प्रिंसिपल को दिखाया कि ये लीजिए मेरा सर्टिफिकेट, आपने कहा था कि रिलीज सर्टिफिकेट ले आओ, हम तुमको भर्ती करा देंगे, ये आदमी तुरंत पलट गया
मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि ये वही वाला आदमी है जिससे मैं पहली बार मिली थी। अब ये बोल रहा है, मेरा रिलीज सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेके फिर बोल रहा है, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम चले जाओ फलाना डंका कॉलेज में। उन्होंने जिस कॉलेज का नाम उस वक्त लिया था, मुझे रेफ़र कर किया था जिस कॉलेज के बारे में, वो मेरे घर से एकदम, मतलब क्या मैं बोलूँ, हम लोग साउथ में रहते थे, वो नॉर्थ का कॉलेज था, पूरा ऑपोजिट, कुछ 30 किलोमीटर्स होगा, 30 किलोमीटर्स, क्या मैं डेली अप डाउन करूँ कॉलेज के लिए? मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। करते हैं बहुत लोग ट्रेन से आते हैं कॉलेज के लिए, पर मैं नहीं कर सकती थी, मुझसे नहीं होगा। मैं वहाँ पे एकदम, मतलब पैनिक हो गई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई, पैनिक हो गई, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मेरा पिछला जो कॉलेज था वो मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि मैं वहाँ से रिलीज़ ले आई। अब ये वाले कॉलेज के लिए मैं आई हूँ सब कुछ सोच के, ये मेरे घर के करीब है, और यहाँ मुझे अब ये लोग कह रहे हैं कि जगह नहीं है। तो मैं बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मतलब हैरान हो गई, हैरान परेशान। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने जिस जो मुझे बोला था करने, मैं तो वही किया, 2 दिन में मैं लेकर आई, प्रोसेस होने में जितना 1-2 दिन का वक्त लगता है, 2 दिन में मैं लेकर आई रिलीज सर्टिफिकेट, और 2 दिन में आपके सारे सीट्स फुल हो गए। आप कह रहे हो कि कोई जगह नहीं है, और वो भी मिडल ऑफ द सेशन, ऐसा भी नहीं कि सेशन के शुरुआत में, तब सीट्स बुक हो सकते हैं, बट व्हाट अबाउट मिडल ऑफ द सेशन? और ये था भी एक मॉर्निंग कॉलेज, अर्ली मॉर्निंग कॉलेजेस का उतना रश नहीं होता है। रश वाले जो कॉलेजेस होते हैं वो कॉलेजेस होता है जो नॉर्मल टाइमिंग्स के कॉलेज होते हैं, जो कॉलेज ऑफ पीक टाइमिंग्स के होते हैं, अर्ली मॉर्निंग्स या नाइट या इवनिंग वाले कॉलेज, उसमें तो इतना रश होना ही नहीं होता है, कभी नहीं होता है, और वो भी मिडल ऑफ द सेशन। तो यहाँ खेल सब कुछ पैसों का था, मुझे बाद में समझ में आ गया कि पैसे खिलाने से सब कुछ होता है। तो ऐसे में क्या कर सकते थे, पैसे खिलाना पड़ा उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी मैं अपने पुराने कॉलेज से रिलीज ले चुकी थी, और दूसरे किसी कॉलेज में मुझे नहीं जाना था, बिकॉज ये मेरे घर के करीब था। दूसरे कॉलेजेस, एक वो नॉर्थ वाला कॉलेज तो मैं जा ही नहीं सकती थी, और बाकी के कॉलेजेस मुझे पसंद नहीं थे, सो आई डिडंट वांट टू गो। अब ऐसे में एक ऐसे सिचुएशन में आ गई थी मैं, कि मेरे पिछले कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे वो फेयरवेल के लिए मेरे घर में ऑलरेडी आ चुके हैं पार्टी के लिए, वो लोग फेयरवेल पार्टी का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास कॉलेज है ही नहीं। मैं घर गई, आई हैड टू मेक अ पोका फेस दैट एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है, घर पे सब लोग बैठे हुए पार्टी के इंतज़ाम करके, मैं वहाँ अपनी रोंदू शक्ल लेके नहीं जा सकती, मुझे जाके ऐसा प्रिटेंड करना है कि सब ठीक है, हो गया मेरा एडमिशन वहाँ पे हो गया, जबकि हालात ऐसा नहीं है। हालांकि मुझे वहाँ पे एडमिशन नहीं मिला, मुझे पता नहीं है मेरा एडमिशन कब होगा, कहाँ होगा, एट ऑल होगा कि नहीं, पर सबको दिखाने के खातिर मुझे दिखाना पड़ रहा है दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, ऐसा मैं दिखा रही हूँ घर में जाके पार्टी में सबको। दोस्त लोग सब राजी खुशी, सब लोग अच्छा फेयरवेल दिया, चले गए। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ कि ये जो मैंने सबको बोल दिया है मैं इस कॉलेज में घुस गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब फिर घर में डिस्कशन की, बताया मैंने क्या क्या हुआ, पैसे दे के किसी तरह से वहाँ पे मेरी एडमिशन करा दिया गया। जो पेरेंट्स बोलते थे उनके पास पैसे नहीं है फैशन डिज़ाइनिंग करवाने का या कुछ और करवाने का, उनके मुताबिक जिस कोर्स में वो चाहते थे मैं जाऊँ उस कॉलेज के लिए पैसे हैं इनके पास देने के लिए, तो दिए, ठीक है, भर्ती हो गई मैं इस कॉलेज में। इस कॉलेज में मैं पढ़ाई ठीक से ही कर रही थी, मैं अपने पूरे एडुकेशन एकेडमिक लाइफ में कभी भी फेल नहीं की हूँ, कभी भी नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में कमज़ोर थी मैं, बट फेल नहीं किया मैं। अपने पूरे स्कूल का ड्यूरेशन एक शॉट में ही कंप्लीट किया, स्कूल में भी मैं कभी फेल नहीं की थी, कोई क्लास रिपीट नहीं की थी, कॉलेज में भी वैसा। मैं भले ही मुझे पसंद नहीं था सब्जेक्ट्स, पर मैं कभी फेल नहीं करती थी या गलत नंबर्स नहीं आते थे मेरे, सब अच्छे नंबर्स ही आते थे। तो ऐसा था कि मैं जब पढ़ाई करने बैठती थी मुझे जायज़ नहीं लगता था कि मैं जानबूझ के छोड़ दूँ, मुझे समझ में आ रहा है फिर भी मैं क्वेश्चन का आंसर ना दूँ, ऐसा मैं कर नहीं सकती हूँ।
मैं जो भी करती हूँ 100% ही देती हूँ। हाफ हार्टेड काम मुझसे होता नहीं है, पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होता है। तो जानबूझ के भी मैं फेल नहीं होती थी, मार्क्स मेरे अच्छे आ रहे थे, कॉलेज में मेरी प्रशंसा हो रही थी, इस कॉलेज में पढ़ाई होती थी, बहुत स्ट्रिक्ट था ये वाला कॉलेज, सारे प्रोफेसर्स मुझे बहुत पसंद करते थे। तो जो रिव्यूज़ था सब लोग कहते थे मैं बहुत अच्छी हूँ, पर मन ही मन मुझे घुटन हो रही थी क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पसंद, मुझे नहीं करना। मैं घर, तब तक मेरी सेकेंड ईयर हो चुकी थी, तब मैं घर में बोल रही थी कि पढ़ तो रही हूँ मैं, आप लोगों ने कहा था घुसने तो मैं घुस तो गई, घुस के देखो अच्छा लग जाएगा, पर ये हो नहीं रहा है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, 2 साल तो मैंने किया है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूँ। तब उन्होंने ये कहा, तब नए तरीके से बात को घुमाया, तब उन्होंने ऐसा कहा कि अभी ज्वाइन किया है, सिर्फ 2 ही साल हुआ है, अब क्या समझ में आएगा तुमको, कोर्स कंप्लीट तो करो, तब जाके तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी बीच में कोई नहीं छोड़ता, बीच में ड्रॉप आउट मत करो, फिर तो तुम्हारा 2 साल भी गया। अब जो तुम इतना अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाई हो कि कभी किसी में तुमने ब्रेक नहीं लिया है, तुम्हारा फेल नहीं हुआ है, ट्रैक रिकॉर्ड ये ख़राब हो जाएगा। तुमने ब्रेक एक बार करियर में ब्रेक आ गया, एक बार एकेडमिक्स में तुमने दिखा दिया कि तुम ड्रॉप आउट हो गई, तो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। सो दे वर गोइंग ऑन कन्विंसिंग मी कि ख़त्म तो करके देखो, फिर अच्छा लगने लग जाएगा। आई वॉज स्टिल ट्रैप्ड, स्टिल मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी इससे। कंटिन्यू किया मैंने, पूरा 5 साल मैंने किया अपना कॉलेज, 5 साल का कोर्स ख़त्म किया। तब ये वाला था कि 5 साल तुमने ये पढ़ा है, अब तुम कैसे शिफ्ट कर सकती हो किसी और दिशा में, 5 साल तुमने ये फिर किस लिए किया, 5 साल तुमने जो किया वो तो वेस्ट हो जाएगा, फिर इसी लाइन में करना है ना तुमको, दूसरे लाइन में तो तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, कहाँ अप्लाई करोगे, क्यों कोई लेगा तुम्हें, तुम्हारा तो यही वाला डिग्री है तो इसी के बेसिस में तुमको करना पड़ेगा। तो मैं फोर्स्ड हुई, मैं क्या कर सकती हूँ, 5 साल मैंने किया है, डिग्री हाथ में आ गया है, अब मैं क्या करूँ, मुझे जाना ही है ऐसे वाले ही ऑफिसेस में। तो मैं गई अप्लाई करने, शुरू किया मैंने। पास होने से पहले मैं एक जगह पे मेरी नौकरी लगी थी, अब किस्मत थी मेरी ख़राब थी, वो एक ऐसा जगह था जो कंपनी एक ऐसे आदमी का है जिसका बाद में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हुआ, बाद में वो आदमी बहुत सारे केसेस में फंसा, उस टाइम पे उनके ऊपर कोई केस नहीं था, कंपनी उनकी अच्छी खासी चल रही थी, वो हमारे घर में किसी के जान पहचान के ही थे, तो वहाँ पे मेरी नौकरी लगी रेफरेंस में, मेरी तब तक रिजल्ट्स आउट नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जान पहचान में इनके वहाँ चले जाओ काम करने। जगह मेरे घर से बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था, सुनसान एरिया था, एक फैक्ट्री जैसा था, तो फैक्ट्रीज़ तो नॉर्मल सिटीज़ में नहीं होते, सिटीज़ के बाहर ही होते, तो उस फैक्ट्री के स्टोर हाउस में मुझे नौकरी मिली। वहाँ पे मुझे बोला गया कि यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स है, फाइल्स मेंटेन करना है, ये सब काम तुम करोगी, स्टॉक देखोगी, ये सब सारे काम के लिए मुझे वहाँ पे रखा गया। पहले जब मैं गई वहाँ पे, मैंने देखा कि मेरी उम्र के कुछ और लड़कियाँ हैं वहाँ पे, और ये जो अंकल है जिनका कंपनी है वो मेरे घर में ऑलरेडी जान पहचान के ही है, तो सब ने कहा कि कोई बात नहीं जाओ यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। जब मैं वहाँ गई, काम करना शुरू की, मुझे बहुत अनसेफ लगने लगा, क्योंकि एक तो वो जगह सुनसान सा जगह था, उस जगह में आने जाने के टाइम मुझे बहुत अनसेफ फील होता था, क्योंकि शहर से बाहर जाती थी, गुमसुम एरिया, बिल्कुल भी कुछ भी अगर हो जाता है मेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, सुनसान एरिया, फैक्ट्री वाला जगह, थोड़ा भी सनडाउन होने के बाद थोड़ा अंधेरे में अगर मैं रुक जाती तो बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे। अब ऐसा था कि बाकी के जो लड़कियां मेरे उम्र के थी, वो लड़कियां अश्लील संबंध रखते थे उस कंपनी के मालिक के साथ, उस अंकल के साथ, ये बात मुझे पहले नहीं समझ में आई। ऑब्वियसली जब मैं वहाँ पे काम करने शुरू की तब मुझे पता चला कि वहाँ के ओनर का ऐसा यू नो कैरेक्टर इस तरह ख़राब है।
बिकॉज मैं उनकी दोस्त की बेटी थी, तो उन्होंने कभी मेरे साथ वैसा कुछ हरकत करने की कोशिश नहीं की, वैसा कोई इंक्लिनेशन नहीं था। लेकिन बाकी लड़कियों के साथ बहुत अच्छे पेश आते थे और मेरे साथ बहुत ख़राब। भले ही मैं उनकी जान पहचान में से आई हूँ, फिर भी कभी मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करते थे, क्योंकि अच्छे से तो बात वो सिर्फ उन्हीं लड़कियों से करते थे जो लड़कियाँ उनके साथ सोने के लिए राज़ी होती थी। वो मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कर सकते थे, या मैं भी वैसी लड़की नहीं थी, इसलिए उनको कभी लगा नहीं कि मेरे साथ अच्छे से ढंग से पेश आए। ये मेरी फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस थी, एक लड़की जो कॉलेज पास आउट भी नहीं हुई है, पहली लाइफ में पहली बार नौकरी कर रही है, उसकी अगर ऐसी एक्सपीरियंस होती है ना, तो इट्स रियली हार्ड टू सर्वाइव फॉर द रेस्ट ऑफ योर टेन्योर। तो मुझे फिर बहुत ही एक ख़राब इम्प्रेशन लगने लगा कि नौकरी वाली ज़िंदगी क्या ऐसी होती है। इट वॉज रियली पैथेटिक। उस वो तो जो लड़कियाँ थी वो दिन भर इनके साथ मौज मस्ती में जुड़े हुए रहते थे और इनका काम भी मुझे दिया जाता था। ये लोग टीम बना के ऐसे बोलते थे कि तुम कर लो, ये सब तुम देख लो, हम आते हैं अभी, बोल के मेरे कंधों पे थमा के चले जाते थे। दिन भर मस्ती करते थे बॉस के साथ, उनका काम भी मुझे करना पड़ता था। एक बहुत ही टॉक्सिक वाला एनवायरनमेंट था वहाँ पे। मैंने अपने घर वालों से डिस्कस की ये बात, मैंने बताया कि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, सेफ नहीं लगता है। एक तो वो जगह अनसेफ है, दूसरा मतलब वो आने जाने में मुझे बहुत अनसेफ लगता है, दूसरा कि वो उस जगह में जो सब होता है मुझे सही नहीं लग रहा है। सो आई डोंट वांट टू। पहले तो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करते थे, क्योंकि घर वालों की जान पहचान का इंसान है ना, तो अच्छा ही होगा। उन्हें उनके तो दिमाग में ऐसा था कि उनके जान पहचान में कोई ख़राब इंसान हो ही नहीं सकता है। जब मैं बोल रही हूँ कि वो इंसान सही नहीं है, मेरी बात पे विश्वास तो करना बहुत मुश्किल हो रहा था उनको। पर ठीक है, किसी तरह मैंने जाने से मना कर दी, मैंने छोड़ दी वो नौकरी। फिर मेरी रिजल्ट्स आउट हुई, फिर मैं एक प्रॉपर किसी लॉ फर्म में अप्लाई कर सकती हूँ। पहले मैंने कोशिश मैंने प्रैक्टिस का थोड़ा एनवायरनमेंट देखने की कोशिश की। मुझे पहले से ही कभी प्रैक्टिस में इंटरेस्ट नहीं था, पर हर किसी को ऐसा होता है कि एक बार प्रैक्टिस का एनवायरनमेंट देखना पड़ता है जस्ट टू हैव द फील कि क्या होता है। तो कुछ इनिशियल 6 months मैंने प्रैक्टिस के एनवायरनमेंट देखने के लिए मैं सीनियर एडवोकेट्स के साथ लगी पड़ी रही। मेरे घर में कोई लॉयर नहीं है, तो मेरे लिए सीनियर लॉयर्स मतलब हर कोई बाहर वाले लॉयर्स। घर में अगर आपका ओल्ड जनरेशन्स में कोई लॉयर है, तो आपके लिए बहुत इजी बन जाता है ये चीज़, बिकॉज क्लाइंटाइल फिर उन्हीं का क्लाइंट आता है, उन्हीं के जान पहचान में आपको काम मिल जाता है। पर जहाँ आपके घर में पहले कोई लॉयर नहीं है, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, बहुत मुश्किल होता है क्लाइंट्स मिलना, या फिर पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है, सीनियर्स मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो किसी तरह सीनियर्स मिले, ऐसे सीनियर्स जो मुझे पैसे नहीं देते थे। आने जाने का टिफ़िन का भी पैसा नहीं मिलता था मुझे। 6 महीने मैं अपने घर से पैसे लेके जाती थी, घर से पापा का पैसा, आने जाने का, घर वालों का टिफ़िन लेके जाने का, खाने का, वही। इसके अलावा और कोई पैसा नहीं होता था मेरे पास, और मुझे चुन चुन के बस उतना ही पैसा दिया जाता था जितना एक दिन का खर्चा हो सकता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा ही इसी तरह एक माहौल में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे हर पाई पैसा का हिसाब किया जाता था, हर एक रुपए का भी हिसाब किया जाता था। सपोज कि किसी चीज़ के लिए मुझे पैसे दिए जाते थे और घर में पापा को पहले से पता होता था उसमें कितना पैसा लगता है, तो अगर 1 रुपए भी उसमें कम आती थी ना, अगर चेंज लेते वक्त उन्होंने देखा कि 1 रुपए कम है, तो वो मानते थे 1 रुपए कि इसमें 1 रुपए कम है, 1 रुपए कहाँ गया। ऐसे वाले माहौल में मैं बड़ी हुई, हर चीज़ का पाई पैसे का हिसाब होता था, हर चीज़ का। फिजूल के खर्चे तो हम सोच भी नहीं सकते थे, फिजूल का खर्चा मतलब पाप कर दिया तुमने, ठीक है ना। तो आने जाने का जितना पैसा होता है उतना ही गिन गिन के थमा दिया जाता था हाथ में, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। घर से जो खाना लेकर जाते हो वही खाओ, बाहर कुछ पसंद आया खाने का पैसा ही नहीं। तो सीनियर्स ऐसे होते थे जिन्होंने
कभी एक रुपए भी नहीं दिया। अब ऐसे वाले कोर्ट्स में हम लोग जाते थे जहाँ बहुत एक टीजिंग बुलिंग का एटमोसफियर था। अगर आप किसी जाने माने हस्ती के फैमिली से हो, उन्हीं के आपके फैमिली में लॉयर्स है, तो उनकी जान पहचान के माहौल में आपको फिट इन करने का मौका मिलेगा। अगर आप एक नोबडी हो, न्यू बी इन द इंडस्ट्री, नोबडी विल आस्क यू नो, पूछेगा नहीं कोई, नोबडी विल गिव यू दैट प्लेस। अपना जगह खुद बनाना पड़ेगा और बहुत मुश्किल है, वहाँ बैठने तक का जगह नहीं मिलता है। कोर्ट एक ऐसा जगह है जहाँ पे सीट्स भी पहले से बुक्ड होते हैं, कोई आम इंसान जाके वहाँ अपना सीट भी नहीं ले सकता है। तो ऐसे वाले कोर्ट्स में मैं गई हूँ जहाँ पे मुझे बोला गया कि मतलब रूम्स में मुझे बोला गया कि आप किसके साथ हैं, यहाँ सीट नहीं मिल सकता है, आप बाहर जाए। बाहर पे लोग अपने ही टेबल चेयर लेके बैठे, घर से लेकर आते हैं टेबल चेयर, वो उन पे बैठते हैं। मेरे पास टेबल चेयर नहीं है तो मुझे ज़मीन पे बैठना पड़ेगा। मैं सीढ़ियों पे बैठती थी, मैं कोर्ट्स के वहाँ पे जो फुटपाथ्स होते हैं मैं वहाँ बैठती थी फुटपाथ पे। एक चेयर टेबल भी नसीब नहीं होता था मुझे। कुछ वहाँ पे कनेक्शंस अपने आप बनाने की कोशिश की कुछ सीनियर्स, वो सीनियर्स मुझे दया दिखा के थोड़ा कहते थे कि यहाँ आओ छाव में बैठो हमारे पास। वैसी ज़िंदगी 6 महीना मैंने जिया और मेरे लिए तो बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका। ना एक रुपए मिलता था मुझे, और जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ वो इतना कठिन है, मतलब एक जगह नहीं सही से बैठने का, फुटपाथ में बैठ रही हूँ और इतना स्ट्रगल के बाद मिल क्या रहा है मुझे एक रुपए तक नहीं। इट्स हाईली डिमोटिवेटिंग, हाईली। तब मुझे लगा कि नहीं यार, मैं नहीं कर सकती हूँ, इस तरह चलता रहा तो मतलब मैं सुसाइड कर जाऊँगी, क्योंकि मेरी प्रोफेशनल स्टार्ट ही तो इतनी कठिन हुई है। जो पहली नौकरी जहाँ पे की वो माहौल इतना ख़राब, फिर ये वाला, ये भी इतना ख़राब, अच्छा ही नहीं लग रहा है यार इसमें कुछ। और उम्र ही कितनी थी उस वक्त, एक कच्ची उम्र के इंसान के साथ अगर ऐसे टाइप की एक्सपीरियंसेस होंगी तो उसे क्या ही मोटिवेशन होगा आगे बढ़ने का। तो इस तरह तो नहीं हो सका। मैंने फिर बोल दिया कि आप लोगों ने मुझे फोर्स किया लॉ करना, दैट इज़ फाइन, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी, नहीं हो सकता है मुझसे। मैं किसी कॉर्पोरेट लॉ के लिए अप्लाई करूँगी, ऑफिसर्स में काम करूँगी, बट प्रैक्टिस नहीं कर सकती। तो ये क्लियर हो गया बात कि प्रैक्टिस तो मुझे करना नहीं है, कतई नहीं करना है, मार डालो मुझे पर मुझे नहीं करना। अब फिर मैं ऑफिसर्स में अप्लाई करना शुरू की कॉर्पोरेट लॉ के लिए। ऐसे कॉर्पोरेट लॉज लॉ ऑफिसर्स बहुत कम हैं जिसमें सिर्फ ऑफिस वाले काम हैं। अधिकतर ऐसे वाले ही फर्म्स मिलेंगे जहाँ पे आपको फर्म के लिए कोर्ट में जाके काम करना है, और कोर्ट में जाके काम मुझे करना ही नहीं था, चाहे वो मतलब कंपनी के लिए ही क्यों ना हो, मुझे कोर्ट वाला सीन ही नहीं पसंद था। तो ऑफिस में ही बैठ के काम, ऐसा लीगल कंपनी इतना ज़्यादा उस टाइम पे नहीं था। ये LPOs का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया, उस टाइम नहीं था। LPOs होता है कि लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें सिर्फ ऑफिस में ही बैठ के काम होता है। बाहर के देश हमारे देश में अपना लीगल काम भेजते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का लेबर चीप होता है, उनके वहाँ पे लॉयर्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो वो लोग हमारे यहाँ के लॉयर्स हायर करते हैं, उनको काम देते हैं, हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का काम करके उनको भेज देते हैं बाहर देश में, तो हमें कोर्ट कचहरी का कोई काम नहीं करना होता है। तो ये होता है LPO का सीन जो आजकल आया हुआ है, बट उस टाइम नहीं था, तो और था भी तो बहुत कम, एटलीस्ट मेरे शहर में तो नहीं था। तो ऐसा था कि फिर उस वक्त मेरे पापा के जान पहचान का एक लॉ फर्म, पापा के बचपन के दोस्त का, माइंड यू बचपन के दोस्त जिसके साथ वो स्कूल के टाइम से उनका जान पहचान है, उनके वहाँ उन्होंने मुझे भेजा। मैंने वहाँ पे अपना इंटर्नशिप भी किया, वो जगह ठीक था। मेरे इंटर्नशिप के दौरान मेरा जो मेंटर हुआ करता था वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनके साथ बहुत अच्छा लगता था मुझे। पर जैसे मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई, मेरे जो मेंटर थे वो किसी और कंपनी में चले गए, वो फिर वहाँ नहीं रहे, मैं अकेले फील करने लग गई, और उस कंपनी में ने ही मुझे अब्सॉर्ब कर लिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने इंटर्नशिप यहाँ से किया है, तुम
एम्प्लॉय यहाँ का बन सकती हूँ। तो मैं अपना फर्स्ट काम भी वहीं से शुरू की, लॉ में फर्स्ट काम मैंने वहीं से शुरू की। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट भी मेरा वहीं का हुआ, ठीक है। अब ऐसा था कि ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी रेफरेंस में जा रहे हो, दोस्त के बेटी के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो आप स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, पार्शियलिटी उसी के साथ होता है, राइट। पर यहाँ पूरा उल्टा था, पार्शियलिटी यहाँ पे मेरे बॉस करते थे दूसरों के साथ, मेरे साथ नहीं। मैं थी एक इकलौती ऐसी जिस पे सारे पाबंदियाँ, सारे स्ट्रिक्ट रूल्स मेरे ही ऊपर लागू होते थे। मुझे अजीब लगता था कि मैं इनकी दोस्त की बेटी हूँ, मुझे ही फेवर करना चाहिए ना इन्हें। अगर फेवर की बात करूँ, या तो आप सबको समान ट्रीट करो, सबको आप एक तरीके का ट्रीट करो, और जब आप वो नहीं कर रहे हो, जब आप पार्शियल हो, तो पार्शियलिटी आप अपने फ्रेंड के बेटी के साथ दिखाओ ना, ना कि दूसरों के साथ। ऐसा ही होता था कि वहाँ पे दूसरे सबके साथ पार्शियलिटी दिखाया जाता था, और दूसरे कौन, जो मेरे ही कॉलेज मेट्स हैं, मेरे ही साथ पास आउट किए हैं, सेम उम्र के हैं, सेम क्लास के हैं, सेम क्लासमेट्स हैं, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मुझसे कई गुना ज़्यादा नहीं है, नहीं है। उनकी क्वालिफिकेशंस मेरी क्वालिफिकेशन सेम है, वो भी जैसे है मैं भी वैसी हूँ, कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि उनको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है और मुझे नहीं? मैं ऑफिस में जाती थी तो मेरे साथ हंस के बात भी नहीं करते थे, ऐसे ही मतलब ट्रीट करते थे कि हाँ तुम तो एक मतलब हो यहाँ पे, मजबूरन तुम्हें रखना पड़ रहा है, ऐसा फीलिंग। और दूसरों के साथ हंस हंस के खुल के बातें करते थे, उनको सारे काम उन्हें देते थे, अच्छे वाले जितने सब प्रोजेक्ट्स होते थे उनको देते थे, उसमें वो एक्सेल करते थे तो उन्हें प्रमोशंस मिलते थे, पैसे उनका बढ़ता था, और मुझे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स देते थे जिसमें पैसे है नहीं, और जिनका काम ज़्यादा भी नहीं है, वो काम करके मैं फिर कहती थी मेरा हो गया, मुझे कुछ और दीजिए, तो मुझे फालतू के काम देते थे। कुछ दिनों में उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना के रख दिया, मैं उनकी पर्सनल काम में घुसी पड़ी रहती थी कि उनके लिए कभी ये करना है, उनके लिए कभी वो करना है, मतलब पर्सनल असिस्टेंट वाले काम। नॉर्मल लीगल वाले काम जो मेरे क्लासमेट्स को मिल रहे थे वो मुझे नहीं मिल रहे थे, मुझे नहीं दिया जा रहा था, हालांकि मैं कैपेबल थी। मैंने उनको काफ़ी बार बोला है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आप मुझे दीजिए, पर उन्होंने कभी मुझे इस लायक ही नहीं समझा। ऐसे में कुछ वक्त मैं वहाँ पे काम की, उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आया, उस दौरान तो सारे मेरे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने मुझे चिढ़ाने का एक उनको लाइसेंस मिल गया था, जब देख रहे थे कि बॉस ही ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, तो उनको तो लाइसेंस ही मिल गया था मेरे साथ इस तरह बिहेव करने का कि मैं फालतू हूँ, हालांकि मेरी क्वालिफिकेशंस उन्हीं के तरह है। पर वहाँ पे मुझे ऐसा फील किया जाता, करवाया जाता था कि तुम तो पीए हो, पर्सनल असिस्टेंट हो, हे पीए आ गई, पीए आ गई, ऐसे बातें करते थे मेरे साथ, एक बहुत ही डिमीनिंग टोन में, कुछ अच्छे तरीके से नहीं। दिन कटते गए इस तरह, एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे बॉस ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया था जो मुझे सही नहीं लगा, और उस कंपनी में काफ़ी वक्त रहने में मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई थी, तो मुझे लगा कि जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं है। मैंने उनको कहा था कि आई एम सॉरी बट आई हैव टू डिसएग्री विथ यू, मुझे नहीं लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। ये थी मेरी सबसे बड़ी गलती, मैंने क्यों सच बोला, मुझे सच नहीं बोलना चाहिए था, मुझे डिप्लोमेटिक होना चाहिए था, मुझे जी हजूरी करना था, सारी चीज़ों में यस बॉस करना था, तो मैं बहुत अच्छी। और जैसे ही मैंने उनकी गलती दिखाई कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है, मैं खराब बन गई। संग संग मेरे घर में वो फ़ोन करके कहते थे कि देखो वो जो भी बोल रही है हो सकता है कि वो सही है, पर मैं उसकी बॉस हूँ, वो ऐसा नहीं कह सकती है मुझे, मैं बॉस हूँ इसलिए मैं गलत भी बोलूँ तो उसे हाँ ही बोलना चाहिए, उसने क्यों ना किया मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। ये चीज़ उन्होंने मुझे ना बता के मेरे घर वालों को बताया, मतलब पेरेंट्स कॉल किया, जैसे स्कूल में होता है पेरेंट्स कॉल,
और एक मतलब ऊपर ही ऊपर समझ गए हम लोग कि वो नहीं चाहते मैं उनके वहाँ काम करूँ। माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका था। अब फिर मैं वहाँ खुद भी नहीं रहना चाहती थी, एंड देन मैंने और जगह अप्लाई भी करना शुरू कर दिया और मुझे दूसरे जगह पे मिल भी गया। तो जैसे मुझे दूसरे जगह मिल गया तो मैंने देखा कि मेरे लिए सही ऑप्शन है, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अब मैं ये वाला कंपनी छोड़ के अब अच्छे वाले मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे नौकरी मिली। इस दौरान मेरी पहली वाली शादी टूटी थी, जो शादी वाले दिन मेरी शादी टूटी थी वो वाला इंसिडेंट मुझे इसी दौरान हुई थी मेरे साथ। मैं बहुत अपसेट थी, डिप्रेशन में चली गई थी, जो कि नॉर्मल है, पर मेरे ऑफिस में ये चीज़ समझा नहीं जाता था। मेरे ये वाले बॉस कहते थे कि सो व्हाट, यू हैव टू कम एंड वर्क। इतने ख़राब तरीके से उनका एटीट्यूड था ना, कि जो मेरे साथ इतना बड़ा कुछ हुआ है उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया, ये तो कुछ है ही नहीं, यू नो नथिंग हैज हैपेंड, सो व्हाट, एंड ही पोस्ट मी टू कम एंड वर्क, जबकि मुझे काम में मन भी नहीं लगता था उस वक्त। एंड सिचुएशन वॉज सो बैड कि मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो मैंने डिसाइड की फिर मैं बाहर चली जाऊँगी दूसरे कंपनी में, मुझे ऑफर ऑफिस भी मिले थे, एंड देन आई शिफ्टेड। अब बाकी की कहानी मैं पार्ट टू में करूँगी, क्योंकि ये वाला तो बहुत लंबा हो रहा है। पार्ट टू में मेरे साथ जुड़ी है और रेस्ट ऑफ द स्टोरी वहाँ पे सुनिए।